हे गाइस, दिस इज़ मोहम्मद शाह। वेलकम टू एजुकेशनल प्रो। इस लेक्चर में जो है हम बेसिक लैंग्वेज के मोड्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेसिक लैंग्वेज के दो मोड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मोड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मोड। बाकी डायरेक्ट मोड इनडायरेक्ट मोड के बारे में हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है कि अगर आपने GWBasic को ऑन करना है तब तो आपको हमेशा ये जो है ना डॉस बॉक्स में जाके एक कमांड लिखनी पड़ेगी, तभी GWBasic ऑन होगा। GWBasic इतना पुराना सॉफ्टवेयर है कि हमारी विंडोज़ उसको नहीं चला सकती हैं। नहीं तो अगर आपको ये कोई GWBasic या PC Basic यूज़ करते हो, उसके लिए आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बेसिक ये समझता हूँ कि हमें बेस्ट वाला जो है ना, जो ओरिजिनल GWBasic है, उस पर प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ से जो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ये डायरेक्ट मोड के बारे में लिख रहा हूँ। इस प्रोग्राम में कि डायरेक्ट मोड में क्या होता है, जैसे ही आप कोई कमांड एक लाइन लिखते हैं, उसी वक्त आपको आउटपुट मिल जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रिंट 22/4 5.5 आपको आउटपुट मिल गई है। A 10 के बराबर है, B 10 के बराबर है, C 20 के बराबर है। मैं A को B से डिवाइड करके C से मल्टीप्लाई करके वापस C में स्टोर करवा रहा हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ C को। कहने का मतलब ये सिर्फ प्रोग्राम आपको वक्ती तौर पे आउटपुट देगा। आप इस प्रोग्राम को सेव नहीं कर सकते, आप फ्यूचर में इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। बस जैसे ही प्रोग्राम लिख के आपको आउटपुट आ गई और उसी वक्त आप इसका आउटपुट देख के बात ख़त्म। मगर जो है इतनी सी बात थी, इससे ज़्यादा जो है हम कुछ और कर नहीं सकते हैं। मगर इनडायरेक्ट मोड होता है जिसको हम ऑटो लिख के शुरू करते हैं, जिसमें लाइन नंबर्स हमारी आती हैं, वो असल प्रोग्रामिंग इनडायरेक्ट मोड के अंदर होती है। और प्रोग्रामिंग इसमें जब हम प्रोग्राम्स वगैरह लिखते हैं, हम उसको सेव भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। वो बात की बात है हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, मैंने दो वेरिएबल्स में एक्स और वाई में इनपुट लिया है। जी को एक्स को वाई से डिवाइड करके जी में स्टोर करा दिया है और जी को प्रिंट करवा दिया। अब आप यहाँ पर दोबारा देख सके, मैंने एक दफ़ा प्रोग्राम लिख दिया था, मैं जितनी दफ़ा रन लिख रहा हूँ, दोबारा प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप प्रोग्राम को चाहे 100 दफ़ा लिख के रन कर सकते हैं और आपको आउटपुट मिलती जाएगी। तो ये आप प्रोग्राम को सेव वगैरह भी कर सकते हैं। दैट्स इट। लाइक करें, डिसलाइक करें इफ़ यू वांट, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।